ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं धनु राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके सेजिटेरियस, यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम समथिंग। किसी चीज़ में से कुछ हील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट देयर इज़ अ न्यू लव अराउंड यू, राइट? वी हैव एस, सो एस ऑफ कप्स, इसका क्या मतलब है कि समथिंग न्यू, एसेज आर न्यू, सो मे बी हो सकता है अ न्यू लव, यू आर सर्चिंग फॉर न्यू लव और देयर इज़ न्यू लव अराउंड यू, यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ एज वेल। लेकिन आई एम गेटिंग लाइक दो फेसेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इन लव इट्स नॉट अ वेरी गुड कार्ड टू सी। मुझे ऐसा लगता है कि एक हाइड एंड सीक चल रही है एक लव कनेक्शन में, यू नो। Either you have a new love, new connection, maybe you have feelings, you have emotions, पर आप दो चीज़ें दिमाग में रख के नहीं चल सकते, right? Like for example, you are ignoring or maybe you are trying to heal or maybe you don't know what you want from the connection. तो ये चीज़ें मुझे आपके holding of emotion जिसे कहते हैं, तो ये चीज़ें आपकी तरफ से हो सकती हैं। On the other hand, आपके जो partner हैं, this person is like, I think ये जो person है इनको ऐसा लगता है that this सर्कल हिज एंड, ठीक है? कुछ के लिए हो सकता है मे बी अ फेलो फायर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं और फायर टेंडेंसी है, और ये पर्सन आई थिंक, आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग लियो एनर्जी हियर, लॉट ऑफ लियो एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद द लियो, राइट? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, येस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि दे Maybe they are realizing something, they are understanding about something. कुछ उनको realize हो रहा है with the high priestess. अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं हैं. आप लोग एक दूसरे को, you know, there is something, कुछ है, एक fiery energy मुझे दिखाई दे रही है. तो आप लोग एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं और मे बी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन, यू नो, और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये साइकिल ओवर हो जाए. देर इज़ अ रिफ्यूज़ल, मुझे कोई रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है. और अभी अगर आगे की बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट बींग डिफेंसिव, ठीक है? इस पर्सन का नेक्स्ट, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं, राइट? दे आर वेटिंग फॉर लाइक समथिंग टू हैपन इन देयर लाइफ, और मे बी दे आर कीपिंग देमसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यू नो, सो हो सकता है कि कुछ और चल रहा हो या आपके पार्टनर दूरी पे हों, ठीक है? और जानते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हों, दे हैव सेवरल अदर ऑप्शंस, बट कोई यहाँ से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है. मे बी समबडी इज़ इग्नोरिंग, या हो सकता है कि आपके पास पार्टनर ट्रैवल कर रहे हों या आपसे दूरी पे हों, ठीक है? लॉट ऑफ स्टफ़, या ठीक है, एक मेमोरी है, एक आप लोगों के बीच में एक नॉस्टैल्जिया है, बट योर पार्टनर इज़ बिजी समवेयर, और हो सकता है कि समबडी इज़ मूविंग, बिकॉज चैरिट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, राइट? लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, मूविंग ऑन. वी हैव 7-7, यू नो, प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए. और आप, आई थिंक, आई शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो सेजिटेरियस के लिए मुझे थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी लग रही है, थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है, बट येस, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. एंड इफ़ यू आर टोटली सिंगल सेजिटेरियस, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मीटिंग, और मे बी आप क्रॉस रोड पे हैं, आप लोगों को मिल तो रहे हैं लेकिन स्टिल आप अनडिसाइडेड हैं कि आपको क्या करना है, या आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. चलिए अब फटाफट से बात करते हैं आपके करियर की. ओके, सो मेनी कार्ड्स,
फॉर ऑल द सेजिटेरियस ओके सी ये जो हफ्ता है आपके लिए इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू आई थिंक मनी इज़ ऑल्सो कमिंग इट्स अबाउट अ बॉस पोजिशन आप अच्छे पोजिशन पे आ सकते हैं और दिस वीक सीम्स टू बी ग्रेट फॉर यू मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अच्छा हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क और मे बी इट्स अबाउट जंपिंग टू टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ यू नो अबाउट समथिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स कुछ चेंज आ सकता है समथिंग लाइक पॉजिटिव समथिंग सडनली ब्राइट कमिंग योर वे मनी इज ऑल्सो गोइंग टू लाइक यू नो फ्लो टूवर्ड्स यू तो वेट कीजिए चेंज का एंड डू लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर दिस वीक फॉर ऑल द सेजिटेरियस हो सकता है कहीं से मनी यू नो लाइक मनी इज फ्लोइंग ओके क्या गाइडेंस है ओके वी गॉट टू कार्ड्स देखिए सेजिटेरियस आपकी द थिंग इज यू आर स्टक लाइक अ चाइल्ड राइट जैसे कि एक बच्चा है और जो जो कि एक दरवाजे में बंद है और वो वेट कर रहा है कि कोई उसको आके निकाले उसमें से बट वो ये नहीं जानता कि जो ताला नहीं लगा हुआ है जस्ट उसको लग रहा है कि यू नो लॉक है तो सिचुएशन में ये है आपके गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं देन ऑलवेज एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू स्काई इज़ ओपन आप बड़े हो चुके हैं उस ये जो आपके अराउंड जो भी आप फील कर रहे हैं बाउंडेशंस एंड स्टक एनर्जी उसमें से आप आराम से निकल सकते हैं इट्स जस्ट इन योर माइंड नॉट इन योर लाइफ यू नो सो आप सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है क्या सिचुएशन है इधर इट्स रिलेटेड टू योर मैरिज योर कनेक्शंस और या हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट योर करियर यू नो और अदरवाइज सो कीप योर माइंड ओपन कम आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड यू शुड स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड नाउ सॉरी आई एम नॉट बींग जजमेंटल हियर बट दिस इज़ वट आई एम गेटिंग यू नो कि उसमें से बाहर निकल आइए क्योंकि एनर्जी बहुत एनर्जी फ्लो कर रही है न्यू एनर्जी फ्लो कर रही है एंड मे बी यू आर स्टिल स्टिल समवेयर स्टक इन योर लाइफ स्टिल फीलिंग स्टक इन योर लाइफ सो कम आउट ऑफ दैट एंड पार्टिसिपेट कीजिए सो दिस इज इट दिस इज़ वट आई एम गेटिंग फॉर द सेजिटेरियस आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग मुझे कमेंट करके बताइए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय अपना ख्याल रखिए